तो भाई लोग, 31 जनवरी 2022 के इस खूबसूरत शाम में आप सबका स्वागत है सैंड सन बीच एंड पार्टी। कुछ यही सोचते हो ना आप गोवा के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़, यहाँ के झरने, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के दूर दराज के गांव कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। शहर छोड़ के जब आप इन गांवों में गुजरते हैं तो नजर आते हैं कुछ इस तरह के नज़ारे, जहाँ पे रास्ते ख़त्म होते हैं और पगडंडी शुरू होती है। यहाँ की छोटी छोटी पुलियाँ, वो छोटी छोटी पगडंडी और उसके बगल में खड़े ये पेड़, जो राह देखते हैं कि कभी कोई यहाँ से गुजरेगा, उन्हें छुएगा, उनसे बातें करेगा। कुछ ऐसी ही राइड पे निकले थे हम उस दिन 31 जनवरी की शाम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोवन राइडर वंस अगेन। सो आज है 31st नाइट 2022 और हम जा रहे हैं नाइट कैंपिंग के लिए पूरी फैमिली के साथ। हम फिलहाल है गोवा के जंगल में और जस्ट रोड शुरू हुआ है अभी, तो चलिए देखते हैं हमारी ऑल्टो ऑफ रोड सह पाती है, पहुँच पाती है या नहीं। तो हमारी ऑल्टो जो है वो थोड़ी बहुत मॉडिफाइड है, इसमें स्टॉक टायर आते हैं 12 के, तो मैंने 13 के लगाए हैं और थोड़े से चौड़े भी है, आप देख सकते हैं एलॉयस के साथ, तो ये थोड़े से उभरे हुए हैं और बाहर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बढ़ चुका है, लगभग 1 से 1.5 इंच, और टायर थोड़ा सा टच करता है यहाँ पर, यही दिक्कत है आगे पीछे। और सामान जो है हमारा वो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन है भी, आप देख सकते हैं। और जिस तरह की टेरेन है उस हिसाब से सामान कुछ ज़्यादा ही है। तो चलिए देखते हैं ऑल्टो कहाँ तक जा पाती है, वहाँ जाएंगे, कैंपिंग करेंगे, शायद फिशिंग भी करेंगे और कल वापस आना है। तो चलिए देखते हैं आज की नाइट कैंपिंग कैसी होती है। और इस तरह उस आखिरी गांव को अलविदा करते हुए हम आगे बढ़ गए इस पगडंडी की ओर। इस पगडंडी पे रगड़ खाते हमारे टायरों की आवाज़, पंछियों की आवाज़, ठंडी ठंडी हवा के झोंके एक अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। 31 जनवरी की शाम, जहां पूरी दुनिया निकल चुकी थी शहर की ओर, शोर शराबे की ओर, अपने आप की तलाश में हम निकल चुके थे शहर से दूर, गांव से दूर, शांति की ओर, सुकून की ओर। ये खूबसूरत सफ़र जो आप देख रहे हैं, इसमें गाड़ी संभाल रहा था मैं, कैमरा संभाल रही थी हमारी मराठन, और पीछे बैठकर लेस और कुरकुरे के पैकेट नज़ारों के साथ संभाल रही थी हमारी छोटी राइडर। पहले सोचा दिखाऊं ना दिखाऊं, और फिर सोचा चलो दिखा ही देता हूं कि कैसे हमारी छोटी सी ऑल्टो इस पगडंडी पे सफर करने के लिए जूझ रही थी। राइड का ऑलमोस्ट आधा डिस्टेंस कवर हो चुका है और आधा बचा है, वो भी टफ है, और गाड़ी तो पहले और दूसरे गियर में चल रही है। इस गाड़ी के साथ मेरे पहले सफर में मैं सीख चुका था कि भले ही कैमरे का शीशा साफ करो ना करो, लेकिन गाड़ी का शीशा साफ जरूर करना चाहिए। चलो पहले गियर में रेस दे देते हैं। ओके, एक बार नदी पार हो गई तो फिर कोई झंझट नहीं, उसके बाद कैसे भी करके हम आगे पहुंच ही जाएंगे। सिर्फ नदी का डर है, कोई ब्रेक डाउन नहीं चाहिए और गाड़ी नहीं फंसनी चाहिए। पहुंच गए। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि पत्थर पूरे निकले हुए हैं,
बहुत हलचल वाले पत्थर है यहाँ पर। दिख तो आसान रहा है, लेकिन अगर टायर फंस गया तो दिक्कत हो जाती है, और चैम्बर संभालना है तो यहाँ पर एक पत्थर है जहाँ से मुझे चैम्बर संभालना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा पानी गहरा है, वैसे प्रॉब्लम पानी से नहीं है, चैम्बर से है। ये देखिए वहाँ पर एक पत्थर है और वहाँ पर चैम्बर संभालना है, और पत्थर हटाने हैं थोड़े बहुत। अब वो तो एक ऐसा तो ओप वो ये पत्थर एक हटाएंगे चैम्बर के लिए, और दो पत्थर हटाना है थोड़े साइड आणि मासे पुढे ही असे आणि ओतो एक काढ। ओके पुरो ना का दो पत्थर जो हम निकाल सकते हैं वो हमने निकाल दिए हैं। अब वक्त है लक आजमाने का, तो चलिए आई होप गाड़ी निकल जाएगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ये पगडंडी और ज़्यादा कठिन होती जा रही थी। हमारी छोटी सी ऑल्टो और उसके टायर कभी अटक रहे थे, कभी फिसल रहे थे, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जैसे तैसे अटकते फिसलते हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे और निकल पड़े फिशिंग करने। पार्ट हमने मैं भूल गया शॉट लेने के लिए, और हम अभी जा रहे हैं फिशिंग के लिए, तो जगह देखनी पड़ेगी फिशिंग के लिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी है और कुछ लोग नेट फिशिंग कर रहे हैं। एनीवेज हम बढ़ते हैं आगे, हमें थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए, कम पानी में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम हुक फिश करने वाले हैं। ठीक है भैया, योर टाइम काढू ना कभी भी यो पडशी दहा उत्साह आहे यार। ते फिश धरता के एकटो एकटो my ass.